गाइस आज बनाएंगे मज़ेदार चावल की रोटी। ठंड जाने वाली है ना, तो ये तो खाना ज़रूरी है। चावल की रोटी है, आलू की सब्जी और थोड़ी सी टमाटर है। और नन्नू को कुछ गिफ्ट मिला है। क्या है नन्नू, ये किसका गिफ्ट है? ये किसका है? न्यू वाटर बॉटल। डिंक चिका। वाओ मामा, आई लव दिस बॉटल। मामा स्कूल कौन जाएगा बेटा? 8 बज गया है। अच्छी लगी बेटा? तो स्माइल कर दो थोड़ा सा, हेलो तो कर दो। हेलो, वाओ मेरा बच्चा, अच्छा लगा बॉटल? अच्छी लगी? इसमें क्या है, बॉटल में क्या है? क्या है, क्या है? पापा ला दिया तुम्हारे लिए बेटा। हाँ थैंक यू, बोलो पापा को थैंक यू। क्या है नन्नू? वाओ कार्टून। चलो जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाए। गाइस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तैयार है। पहले जो है साहब को दे के आते, फिर नन्नू को स्कूल लेके जाएंगे। धूप अच्छी लग रही है नन्नू, आज ना ये वॉश की है, शैम्पू की है, इसीलिए थोड़ा सा धूप में जाने से पहले धूप में थोड़ा सा खड़ी है। वैसे तो ड्राई कर दिया था मैंने ड्रायर से ना बेटा, फेस दिखा इधर। और नन्नू आज नई बॉटल के साथ जा रही, दिखाओ बॉटल। जितना भारी बैग नहीं है उतना बड़ा बॉटल ही पापा ला दिया तेरा। नहीं नन्नू चल, चले चलो, खा लिया धूप, लेट हो जाएगी स्कूल, चलो। गाइस नन्नू को पहले स्कूल छोड़ा और मैं थोड़ा चली गई मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन जो है ज़रूरी था। देखिए अभी दुकान भी नहीं खुला है, अर्ली मॉर्निंग मतलब 10:30 में नन्नू जाती है, तो उसी के लगभग में मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुकी थी धूप लेने के बाद। मैं तुरंत ही चले गए थे क्योंकि यहाँ का सारा मार्केट जो है ना 11 बजे खुलता है, इसलिए मैं सोची क्या कि फिर घर जाऊँगी फिर वापस आऊँगी, तो एक ही बार आई हूँ तो सारा चीज़ लेके आऊँ। एक के जी दे दें और मक्के की है गोभी का, मक्का वाला तो आधा ही दीजिए, हाफ के जी, खराब हो जाता है बहुत जल्दी। और आधा किलो मक्के काटा, 1 किलो चावल काटा। और गुड़ क्या रेट की? ये हमारी सोसाइटी के नज़दीक में ही है एक आटा चक्की का दुकान है, जिससे इसका नाम ही है अपना आटा चक्की। यहाँ पे आप जो है 10 केजी से ऊपर का कुछ सामान देंगे, गेहूं वगैरह, तो ये पीस के दे देते हैं, नहीं तो ऐसे खुले लेना है तो इस तरह इन्होंने लगा के रखा है, वहाँ से जो है वो आप ले सकते हो। तो मुझे केवल गेहूँ का आटा, ये सॉरी चावल का आटा चाहिए था और मक्के का आटा चाहिए था। रागी का था लेकिन उसने मतलब मैंने बताया कितने दिन आपने पहले पीसा था, तो वो बोला क्या कि हो गया मतलब 2-3-4 दिन। हम बोले कि अभी तो यही दोनों की ज़रूरत है, फिर आके रागी जो है 120 रुपये के जी है यहाँ पे। तो फिर मैंने जो है बस दो ही चीज़ ले लिया, गुड़ भी 70 रुपये के जी और बाहर 60 मिल रहा था, तो मैंने बोला कि बेटर है कि बाहर से ही लेके आऊँ, मनो मंडी से वो लेके आता है गुड़, तो इसलिए मैंने दो ही चीज़ लिया। देखिए इस तरह का आटा चक्की ना, पहले हम लोग जो है अपने ज़माने में मम्मी हमेशा गेहूँ साफ करके ऐसे ही दे देते थे, तो ऐसे करके आटा चक्की में जाके पिसवा के हम लोग ले आते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे ना, कहीं धूप में सुखाना गेहूँ, कहाँ क्या करेंगे, कैसे साफ़ करना, वो सारी चीज़ें भी नहीं है। तो चलिए बहुत बकवास कर ली, मैं अपना सामान लेती हूँ और घर चलती हूँ। चलिए गाइज़ मैं आ गई हूँ घर, और हेलो सबको, हम तो बहुत देर के बाद आपसे मिले हैं। सुबह इतना जल्दी जल्दी रहता है ना काम, कुछ समझ में नहीं आता। आज हम लोग सोच रहे थे कि आज चावल नहीं बनाएंगे, राइस दोपहर का लंच में हम लोग जो है यही जो है रोटी बनाएंगे। एक्चुअली इसके पापा को ना चावल की रोटी अच्छी नहीं लगती, आई डोंट नो वाई, इसका रीज़न हम भी नहीं जानते। वो पीठा खा लेते हैं लेकिन रोटी इस तरह करके मैं बॉयल करके बनाती हूँ तो उनको नहीं पसंद है, तो मैं उनको छेड़ने भी नहीं जाती हूँ। हम लोग तीनों जो है वो लंच करेंगे दोपहर का, तो उन लोगों के आने से पहले, दोनों बच्चों के आने के से पहले मैंने सोचा जल्दी से रोटियां बना लूँ। एक्चुअली निक्कू को भी पसंद उतना नहीं है लेकिन फिर भी वो मैं खिलाती हूँ तो वो खा लेता है। तो सिंपल सा है, 2 कप मैंने जो है उसमें पानी चढ़ाया है, गर्म पानी ही चढ़ाया था, और 2 कप उसी से मैं जो है वो राइस डालूँगी उसमें। जब वो बॉयल हो जाएगा, पानी बिल्कुल बॉयल हो जाएगा, तब उसमें मैं डाल दूँगी। और इसमें अभी मैं किसी तरह का नमक वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सादा पानी है, उसी में मैं 2 कप जो है वो चावल, पिसा हुआ चावल डाल दूंगी।
धीरे धीरे डालते जाऊंगी और उसे थोड़ा थोड़ा जो है मिलाते भी जाऊंगी, क्योंकि वो पानी जो है ना वो सटता रहता है, तो उसको जो है गोलते रहूंगी और हल्का कर दी हूँ। गैस बिल्कुल ही जो है धीमे आँच में है, उसको साथ ही मैं अच्छे से उसको जो है पानी उसमें एकदम मिल जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर लगे कि लिक्विडी जैसा है तो उसमें थोड़ा सा और जो है डाल के बिल्कुल एकदम जो है ना पूरी पानी उसमें मिल जानी चाहिए। और बचा हुआ चावल को मैं अच्छे से पैक करके डब्बे में रख दूंगी, क्योंकि ये चावल का आटा ना पकौड़ी वगैरह में डालने में बड़ा अच्छा लगता है, कुरमुरा रहता है, तो इसलिए इसको जो है एयरटाइट डब्बे में डाल दूंगी। और देखिए ये कितना एकदम सुपर जो है पूरी अच्छी तरह से पानी ने सोख लिया है, हल्का हल्का जो है वो गीला गीला टाइप का है, तो इसमें जो है बंद कर दूंगी गैस और इसको हल्का जो है वो ठंडा हो जाने दो। नहीं तो इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग जो है इतना गर्म नहीं मतलब वो कर पाते हैं, क्या बोलते हैं, मल नहीं पाते, तो इसको थोड़ा सा ठंडा आप कर सकते हैं। मैं तो इसी में मिलाते मिलाते जो है वो हाथ जो है वो लगा दूंगी, मतलब इसी में मल दूंगी, कढ़ाई में ही मल दूंगी अभी तुरंत, मतलब गूंथ लूंगी आटे को बहुत अच्छी तरह से। इसे मिला दी हूँ, साइड थोड़ा रखती हूँ क्योंकि वाकई ये बहुत गर्म था। उसके बीच में मैंने सोचा क्या कि कुछ टमाटर पका लेती हूँ, टमाटर की चटनी मस्त एकदम जो है सालसा चटनी बनेगी, एकदम हरी मिर्च और लहसुन का छौंक लगा के एकदम ऐसे ही गैस में इसे पका लूँगी और मस्त जो है भी चटनी बनाऊँगी टमाटर की। एक्चुअल में ये अब बिल्कुल जो है वो ठंडा हो गया, जिससे आप आसानी से जो है ना इस पे हाथ आप लगा सकते हो। तो मैं अभी पानी नहीं ली हूँ, केवल ऐसे ही जो है जितना उसमें पानी था तो उसमें है थोड़ा मॉइस्चर, तो आराम से थोड़ा 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 करके जो है ऐसे लोइया कर करके साइड में रखूँगी, ताकि पूरा जो है ना कढ़ाई एकदम जो है वो क्लीन हो जाए, निकाल लूँ। उसके बाद फिर उसको गूँथना है। आटा को ना हम लोग मलना कहते हैं, गूँथना कहते हैं, बनाना बहुत सारे लोग अलग, माड़ना बहुत लोग माढ़ना भी बोलते हैं, तो इसीलिए जो कुछ है वो मेरे मुंह से निकल जाता है, फिर लगता है क्या कि मैं कहीं जो है वो कुछ और ना बोल दूँ, इसीलिए बोला मैंने। तो चलिए कंप्लीट हो गया है और जो नीचे बची हुई है कढ़ाई में खुरच के निकालूंगी, अगर निकलेगा तो ठीक है ना, तो हल्का हल्का पानी इसमें दे दूंगी ना तो वो भी जो है वो सोख लेता, मतलब पकड़ लेता है अच्छे से जो है वो गूँथ जाता है। ये कभी हाथ में ना चिपक भी जाता है, तो थोड़ा सा पानी का एकदम हाथ गीला करें फिर उसको करें, मतलब एकदम सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा जो है ऑयल भी लगा देंगे इसमें, तो बड़ा अच्छा से चिप, मतलब एकदम जो है ना सॉफ्ट हो जाता है आराम से, जिससे पकड़ सके। मैं तो पानी जितना है ठंडा पानी ली थी, गर्म पानी नहीं ली थी, और जितना मलना था उसी में मल ली हूँ एकदम, बिल्कुल जब सॉफ्ट हो गया, एकदम छूने से ही वो पता चल रहा था कि वो पूरा सॉफ्ट हो गया। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाऊंगी अभी, चलिए लोई तो मैंने बना लिया है, अब टाइम है रोटियां बेलने के लिए। एकदम पतली पतली जो है रोटियां बेल ले, जैसे ही रोटी बेलते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। और सादा जो मैंने सूखा जो आटा लिया है, आप इसके साथ जो है चावल का आटा भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी यही था सामने तो यही मैंने लगा दिया। और बड़ा खूबसूरत से धीरे 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 हाथ लगा के जो है वो बेलते चले जाएंगे और एकदम खूबसूरत सा जो है वो आपका रोटी, एकदम पतली सी रोटी जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। जब घर में कोई नहीं रहता ना तो बिल्कुल एकदम शांत होता है, मतलब ये 2-3 घंटे ना एकदम एक आवाज़ भी घर से नहीं आता, मतलब बच्चे नहीं रहते हैं तो। वैसे तो दिन भर टीवी की आवाज़ आती रहती है। देखिए ये रोटी जो है वो काफ़ी खूबसूरती से एकदम पतली मैंने बनाई है, और अभी ना आटा और मलाएगा, जैसे ये साइड साइड में फटी फटी दिख रही है ना रोटी, वो नहीं दिखेगी अगर और मलना होगा तो। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था तो इसीलिए मैंने जल्दीबाजी किया, थोड़ा काम चोरी करके जल्दी से जो है वो बना दी।
भैया देखिए, ये साइड साइड में जैसे फटी फटी है ना, वो नहीं रहेगी बिल्कुल एकदम ना, मतलब ये यूनिफॉर्म रहेगी, रेगुलर रहेगी, वो फटी फटी नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, खाने में बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था, और क्रंची ज़्यादा नहीं करूँगी, मतलब ज़्यादा जलाऊँगी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट सा टेक्स्चर रखूँगी, एकदम वाइट सा। तो ये जो है अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा खाने में भी रहता है, और मीठा थोड़ा थोड़ा स्वाद लगता है ना उसका, तो उसकी तो अपना ही एक मज़ा है। देखिए कितनी सॉफ्ट हुई है ये एकदम बिल्कुल। और अब प्लेटिंग का टाइम है, क्योंकि सारे बच्चे आ गए, मतलब दोनों बच्चे, मैं सारा बच्चा क्या बोल रही हूँ, दोनों बच्चे आ गए हैं, और ये मस्त जो है वो खाना निकालती हूँ। अभी सब 3 बज रहा है, 3:15 का समय हो रहा है, तो चलिए लंच करते हैं हम लोग। चावल की रोटी है, आलू की सब्जी और थोड़ी सी टमाटर। मैं मैगी बना के खा लूं, क्योंकि मैं ना मैं चावल की रोटी खाने वाला हूँ और ना ही ये। गाइस दोनों बच्चों को पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर जो मैं खुद खाऊंगी। और साहब तो खाते नहीं चावल की रोटी, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने अपने लिए बनाया और बच्चों के लिए बनाया है। तो अभी निकू जो है वो अपना कंप्लीट करेगा, पानी दे दूं ना तो कंप्लीट करेगा। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है, बिल्कुल एकदम खिला खिला धूप हुआ है, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी सर्दी वैसे चल रही है, तो ये बसंत का बहार है जो कि आते जाते रहता है। तो मिलेंगे फिर आपसे, बाय। ननु से बाय। Bye.